पिछली खबर में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको वो बातें बताएंगे जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात में तय हुई हैं। ये बात भीतर खाने की है, लेकिन चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो बातचीत हुई है, जैसे ही लालू प्रसाद पटना पहुंचे, नीतीश कुमार दौड़े भागे लालू प्रसाद के पास पहुंचे और उनसे लंबी बातचीत की, काफ़ी समय तक रहे और यहाँ तक कि लालू प्रसाद को हाथ पकड़ करके नीतीश कुमार ने कुर्सी पर बैठाया। इसके साथ ही लालू प्रसाद लगातार नीतीश कुमार को कई तरह की सलाह देते रहे, कई तरह की बात कहते रहे और इन बातों को लेकर के नीतीश कुमार सिर्फ हाँ में सर हिलाते रहे। कई तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को अगर देखा जाए तो बातें स्पष्ट होती है कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से ये सब कुछ किया और बातचीत की, उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें अब नीतीश कुमार को बताने के लिए, उनके जहन में डालने के लिए हो रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब हमने पड़ताल किया तो इस बात का एहसास होने लगा कि दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं, उन बातों का मतलब सीधा आने वाली और जो वर्तमान सरकार है उससे जुड़ा हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं हैं और जो बातें खुल करके सामने आ रही हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने एक दूसरे के साथ चलना स्वीकार किया है। अब इन सब बातों के बीच में लालू प्रसाद ने कुछ बातें ऐसी रखी हैं जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि नीतीश और लालू प्रसाद में डील हो गई है और सारी बातें फाइनल हो गई हैं। नीतीश कुमार से लालू प्रसाद ने अपनी भाषा भोजपुरी में कहा कि अब इन्हें उन्हें मत जाइ, सबके ले कर चली है गार्जियन बाड़ा तू। इन बातों को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे थे कि जिस तरह से दोनों के बीच में डील हुई है और दोनों के बीच में सत्ता को लेकर के जिस तरह की बात हुई है, उसमें सबसे बड़ी डील है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाएंगे और कब बनाएंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप करके खुद केंद्रीय कहा जाए तो केंद्र में जाएंगे और दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे। साफ तरीके से ये बातें कही जा रही है कि अब तो खुल करके ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनाने में लालू प्रसाद की बड़ी भूमिका होगी। इन सारी बातों को अगर देख लिया जाए तो ये डील पूरी तरह से लगभग फाइनल है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार CM की कुर्सी सौंप कर खुद प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में दिल्ली जाएंगे और इसके लिए उनका स्थान भी चुन लिया गया है कि वह कहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा कि बिहार की 40 सीटें तो इस बार वो जीतेंगे ही। इसके पीछे जो वोट बैंक लालू प्रसाद का है उस पर दावा किया जा रहा है और नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है उसको मिला करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार से आउट करने की प्लानिंग है। लेकिन इन सारी प्लानिंग के बीच में जिस तरह से एक बार फिर 2015 से की तरह ही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आए हैं और लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया है, उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि इस डील को कब तक नीतीश कुमार निभा पाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की चंचलता राजनीति में देखने को मिली है, अक्सर वो पाला बदलते रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच अब जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो साफ स्पष्ट कर रही हैं कि इस बार नीतीश कुमार 2024 का चुनाव तेजस्वी यादव के साथ लड़ेंगे। पिछली बार 2015 में डील नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार डील पक्का है और लालू प्रसाद इस बात का प्रयास भी करेंगे कि देश भर के अलग अलग जो गैर भाजपाई दल हैं उनका समर्थन नीतीश कुमार को दिलाया जाए। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लगातार चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा में सबसे बड़ी बात है कि नीतीश और लालू प्रसाद के बीच में जो डील है उस पर काम करना नीतीश कुमार लगभग शुरू कर चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का ये डील भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अलग करने का प्लानिंग बना रही है। क्या है प्लानिंग,
हम अगली खबर में आपको बताएंगे। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि अभी जो बिहार की राजनीति है उसमें नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि बिहार तेजस्वी यादव के हाथ में देना है। इस डील का सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो यही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे। अगली खबर में हम तुरंत आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।